हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास है रेडमी नोट 12। इस फ़ोन पर अगर आपको कीबोर्ड का जो लैंग्वेज है, अगर कीबोर्ड का लैंग्वेज को आपको चेंज करना है तो कैसे कीबोर्ड का लैंग्वेज को आपको चेंज करना होगा। देखिए, ये जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड का अगर लैंग्वेज को चेंज करना है तो कैसे आपको करना होगा कीबोर्ड का लैंग्वेज को, तो आपको नीचे मिल जाएगा स्पेस ऑप्शन, उसी पर आपको एक लॉन्ग प्रेस करना होगा, मिलेगा लैंग्वेज सेटिंग्स। तो लैंग्वेज सेटिंग्स पर आपको प्रेस करना होगा, तो आपको ऐड कीबोर्ड पर प्रेस करना होगा। जो लैंग्वेज आपको सेट करना है उसी लैंग्वेज को प्रेस कीजिए। प्रेस होने के बाद इस ऑप्शन को टिक कीजिए, करने के बाद डन पर प्रेस कीजिए। तो चेंज करने के लिए आपका जो भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज को अगर आपको चेंज करना है, लैंग्वेज ऐड हो चुका है तो लैंग्वेज को चेंज करना है, उसी स्पेस ऑप्शन पर आपको प्रेस करना होगा। जो लैंग्वेज आपको सेट करना है उसी लैंग्वेज को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। अगर आपको हिंदी करना है तो आपको हिंदी मिल जाएगा, अगर आपको बांग्ला करना है आपको इधर बांग्ला मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपका हेल्प हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।